हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई एम शालू शर्मा फ्रॉम अलवर। मैंने अभी तक आपको एमएस वर्ड का मेलिंग टैब है वो आपको मैंने कंप्लीट करा दिया है। ओके, आगे हम अपने इसी प्रोसेस में आगे बढ़ रहे हैं जिसमें आता है रिव्यू। रिव्यू काम क्या आता है, पहले तो देखो, री प्लस व्यू मतलब कि हमारा जो भी प्रिंट निकलता है उससे पहले हमें कोई एडिटिंग करनी है, कुछ डालना है तो हम यहाँ से रिव्यू कर सकते हैं। जैसे सपोज मानो अपन ने यहाँ पे कुछ लिख रहे हैं, जैसे मैंने कुछ लिखा, कभी कभी आपने देखा होगा कि स्पेलिंग्स गलत हो जाती हैं, ठीक है, जैसे मैंने इसको गलत कर दिया। ओके, और मैंने यहाँ पे जैसे मैंने सपोज मानो इसको गलत कर दिया, ये आपके सामने गलत कर रही हूँ मैं, हालांकि वो सब सही थी बट गलत करना पड़ेगा ताकि मैं आपको समझा सकूँ। ओके बच्चा, तो हम क्या करेंगे, इसमें से जैसे मैंने स्पेलिंग्स को मिस्टेक कर दिया बच्चा, इसके बाद हम जाएंगे स्पेलिंग ग्रामर सीख रहा है इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद जो भी हमारे स्पेलिंग्स होगी, ठीक है, उस पर क्या हो जाएगा, वो वहाँ पे शो हो जाएगी। लाइक मैंने सबसे फर्स्ट स्पेलिंग से स्टार्ट करूँगी, स्पेलिंग ग्रामर, फर्स्ट स्पेलिंग ये वाली है, देखो मैं यहाँ पे बताऊँगी, देखो, ठीक है, ऐसे अपन को ये शो हो जाएगी। जैसे स्पेलिंग है यहाँ पे अपन को मिलता है सजेक्शन कि भाई तुमने जो ये स्पेलिंग लिखी है, समझ रहे हो मेरी बात को, ये स्पेलिंग है ये गलत है, तो आप इसकी जगह इसमें से कुछ लिखना चाहते हो या फिर यही स्पेलिंग को रखना चाहते हो। तो भाई सपोज करो आपको, अगर आपको सपोज ये वाली स्पेलिंग रखनी है तो इस पर क्लिक करो और चेंज करो, तो वो स्पेलिंग सही हो गई और आगे हम बढ़ गए, ठीक है। अब आपने बोला ये वाली स्पेलिंग गलत है, कंप्यूटर बोल रहा है, आप अपन सोचते हैं नहीं भाई हम तो ओवर स्मार्ट है, हमारी तो गलत हो ही नहीं सकती, तो हम अगर हमें यही स्पेलिंग रखनी है, हमें चेंज नहीं करनी है, तो हम क्या करेंगे, इसको इग्नोर करेंगे, इग्नोर वंस, इग्नोर हो गया वही स्पेलिंग रह गई, देखो आपको दिख रहा होगा ऊपर। ओके बच्चा, इसके बाद हम क्या करेंगे, अगर हमें सारी स्पेलिंग्स को करेक्ट करना है विदाउट किसी सजेक्शन के, वो ऑटोमेटिक करेक्ट हो जाए, तो हम क्या करेंगे, चेंज ऑल, चेंज ऑल पे क्लिक करेंगे और ये देखो द स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक इज कम्प्लीट। ओके ओके, इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से आगे चलेंगे, ये होता है बच्चा रिसर्च। रिसर्च हमें सर्च करता है, जैसे अपन ने इस पर क्लिक किया कोऑर्डिनेट, ओके, इस पर रिसर्च किया, रिसर्च पे जाके यहाँ पे अपन को कोऑर्डिनेट वर्ड ऑटोमेटिक आ गया और यहाँ पे हमने क्लिक किया, ठीक है बच्चा। अब कोऑर्डिनेट के जो सिमिलर्स वर्ड होते हैं लाइक इसके एंटोनिम्स एंड सिनोनिम्स, वो हमें यहाँ पे अपन को दिख जाएंगे, ठीक है बच्चा। तो हमें अगर किसी वर्ड की रिसर्च करनी है, उसके सिमिलर्स वर्ड की रिसर्च करनी है, तो हम रिसर्च पे जाके कर सकते हैं। ओके, सेम सिचुएशंस इसमें होता है, ये देखिए वही मैंने क्लिक तो इस पर किया था बट ओपन यही हुआ है रिसर्च वाला। ओके बेटा, उसके बाद हम देखते हैं वर्ड काउंट। अगर आपको इस पूरे इस पैराग्राफ में कितने वर्ड काउंट करने हैं तो वर्ड काउंट के ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पे हमें बताएगा कि भाई पेज कितने हैं, वर्ड कितने हैं, कैरेक्टर्स कितने हैं, विथ स्पेस, नॉट स्पेस, पैराग्राफ, लाइन एटसेट्रा, क्लोज करो। ओके, ये होता है ट्रांसलेटर। ट्रांसलेटर का मतलब क्या होता है कि भाई तुमको ट्रांसलेट करना है, डॉक्यूमेंट का ट्रांसलेट करना है, आपको यहाँ से किसमें किसका किसमें ट्रांसलेट करना है वो आप लिख सकते हो, ये देखिए। ओके, और मैंने कर दिया एंटर। पहली बात, वो ट्रांसलेटर है वो प्रॉपरली इंटरनेट से चलता है, फिलहाल मैंने इंटरनेट कनेक्ट नहीं कर रखा तो वो इसलिए अभी यहाँ पे काम नहीं चलेगा। लैंग्वेज होती है, सेट प्रॉपर लैंग्वेज होती है, यहाँ से आप लैंग्वेज जो भी आप लैंग्वेज यूज़ करेंगे वो आप यहाँ से सेट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से देखो, अफ्रीकन्स चाहिए, अरबन चाहिए, इंग्लिश चाहिए, इंग्लैंड चाहिए, अमेरिकन चाहिए, जो भी आपको चाहिए। मैंने अभी इंग्लिश यूएस वाली यूज़ कर रखी है इसलिए मैं इसको ओके ही रखूँगी। फिर आता है बच्चा कमेंट। किसी भी डॉक्यूमेंट के ऊपर अगर आपको लग रहा है कि ये गलती है तो उस गलती के ऊपर कमेंट्स करने के लिए हम रिव्यू का कमेंट वर्ड यूज़ करेंगे। लाइक हमें जैसे ये इस पर कोई कमेंट करना है तो मैंने इस पर क्लिक किया, न्यू कमेंट पर क्लिक किया और जो भी हमें कमेंट करना है वो हम ऐसे लिखेंगे तो ये कमेंट हमें शो होगा। ओके, यहाँ पे क्लिक किया, हमें दूसरा कमेंट लिखना है तो हमने यहाँ भी ऐसे दूसरा कमेंट लिख दिया। ऐसे कमेंट्स शो होंगे। अगर जैसे मैं इस कमेंट्स पे हूँ और दूसरा कमेंट कहीं और है तो अपन डायरेक्ट जाने के लिए हम नेक्स्ट वर्ड का यूज़ करेंगे और पीछे जाने के लिए प्रीवियस का। डिलीट करने के लिए हम डिलीट का यूज़ करेंगे, नेक्स्ट एंड डिलीट। आया समझ में? वेरी गुड। उसके बाद होता है ट्रैक चेंज। ट्रैक चेंज का मतलब क्या होता है, ट्रैक चेंज वर्ड जो ये टैब है, ये कब पैनल है, ये कब काम आता है, ऐसी सिचुएशन जिसमें हमें सम टाइम मतलब कुछ ही टाइम के लिए हमें कहीं बाहर जाना हो
और हमने क्या किया ताकि हमारी कोई फाइल को बिगाड़ ना सके, हम क्या करेंगे पहले ट्रैक चेंज को ऑन करेंगे। ऑन हो गया, अब अगर हमारी कोई स्पेलिंग कुछ या फिर कोई हमारी स्पेलिंग गलत कर रहा है या फिर हमारी मतलब कि जैसे मैंने गलत करने के लिए इसमें कुछ वर्ड यूज़ कर दिया तो बच्चा देखो ये हाईलाइट हो गया, हो गया। अगर मैं लाइक ये वाला इसमें से अगर मैं कुछ हटा देती हूँ तो ये देखो हाईलाइट हो गया। अब आपको एक चीज़ नोटिस करनी होगी, देखो बच्चा इसमें अपन ने जब हाईलाइट किया था देखिए तो ये देखो ये सिर्फ ऐसे आ रहा है, और इसमें जब हमने इसमें तो ऐड किया था तो ऐसा आ रहा है, और इसको हमने हटाया था तो इसमें देखो ये वाला साइन आ रहा है, ये देखिए बच्चे। ओके, तो ऐसे हम इससे जब ये कब होगा जब अपना ट्रैक चेंज ऑन होगा, ठीक है गुड। अब हम क्या करेंगे कि भाई हम रिव्यू पे आए थे, ट्रैक चेंज कर रहे थे, अब हमें इन चीज़ों को हटा, हम आए हमने देखा भाई किसी ने गलतियाँ की है तो हमने क्या किया भाई पहले ट्रैक चेंज को ऑफ कर दिया, ठीक है। उसके बाद हम आए यहाँ पे, अगर इन गलतियों को एक्सेप्ट करनी है तो एक्सेप्ट मूव मतलब एक्सेप्ट एंड मूव टू नेक्स्ट, मतलब एक्सेप्ट करो और अगले पे जाओ, और अगर एक्सेप्ट सबको ही मतलब वो करना है एक्सेप्ट करना है सारी गलतियों को तो एक्सेप्ट ऑल चेंज इन डॉक्यूमेंट, और रिजेक्ट करना है तो रिजेक्ट ऑल चेंज इन डॉक्यूमेंट। मैं फिलहाल के लिए रिजेक्ट करना चाहूँगी ओके, ताकि स्पेलिंग गलत नहीं हो। ओके, प्रीवियस और नेक्स्ट क्या काम आता है, पहली और दूसरी गलती पे जाने के लिए प्रीवियस और नेक्स्ट काम आता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, अपनी बाकी की वीडियोस देखने के लिए एक बार चैनल को व्यू कीजिएगा एंड बाकी वीडियो देखिए और अपनी नॉलेज को गेन कीजिएगा। अभी तक एमएस वर्ड के हमने होम इंसर्ट पेज लेआउट रेफरेंस एंड मेलिंग कंप्लीट किया है, प्लस में आज रिव्यू कंप्लीट हो चुका है, कल हम नेक्स्ट वीडियो में हम व्यू कंप्लीट करके एमएस वर्ड के टॉप वीडियो हम डालेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।